खूबसूरत सा एक पल जिंदगी का किस्सा बन जाता है, न जाने कौन कब जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। जी हाँ, तुहाडे पसंदीदा प्रोग्राम अनम्यूट किसे लैके एक बारी फिर तो हो रहे हैं तुहाडी दहलीज़ां ते हाज़र। तुसी देख रहे हो दा अनम्यूट ते मैं हाँ तुहाडे नाल गुरनीत। दोस्तों, जिवें तुहानू पता ही है कि कुछ कु किश्तां तो असी मज़ाहिया लहजे दे जिहड़े किस्से ने ओह तुहाडे नाल सांझियां कर रहे हैं, जो कि रजिंदर बिमल दी संकलित किताब दे विचों असी लए आ। और अज दे इस प्रोग्राम दे विच वी जो खासियत है उन्हां दे किस्से रहणगे जो लतीफे होणगे, मज़ाहिया होणगे, और नालों नाल कुछ होर किस्से भी अज दे इस प्रोग्राम विच शामिल करांगे। तारण गुजराल जो बहुत खूबसूरत शायरा सन, हाल ही वो काल चलाना कर गए। उन्हां दी एक बड़ी ही खूबसूरत एक कविता है, उस दे विचों एक शेयर तुहाडे नाल साझा करदे हां। वो लिखते ने कि मेरे सिदक ते ना तू बिठा पहरा, मेरे नाल ना चल इल्जाम वांगू, मेरे मत्थे ना लग इल्जाम वांगू। एक बारी एक लेखिका जो है वह तारण गुजराल नूं उन्हां दे घर मिलन जांदे आ। हालांकि तारण गुजराल की उम्र उस वेले भी काफ़ी ज़्यादा सी, पर वो कहें कि तारण जी तुसी आजकल की खाण लगे हो, दिनों दिन जवान होंदे जा रहे हो। तो तारण जी ने कहा, इस तरह तो है ही, क्योंकि मैं इश्क जो करन लगी हाँ। उन्हें कहा, हाँ तुसी बिल्कुल उमदा फरमाया, इश्क जो है वो बुढ़े नू जवान ते जवान नू तूफान कर देता है। तो तारण जी ने गुस्से च कहा, खबरदार जे मैनू बुढ़ी कहा मैं तेरी जान कढ लांगी। हालांकि लेखिका नूं ये मालूम सी कि कदे भी औरत तो उसकी उम्र ते मर्द तो उसकी जेब कदे नहीं पुछदी। एक होर मजाइया किस्सा जो तारण गुजराल ने मेरे नाल साझा किया, वह कहें कि अल्लड़ उम्रे एक बारी मैं कोठे ते बैठी वाल सुका रही सी, धुप भी सेक रही सी, अचानक एक कागज़ की गोली मेरी छाती ते आके डिगदी है। तो जिदा ही मैं गोली नूं खोलदी हाँ तो उस विच लिखा होंदा है, आई लव यू। कहते मेरा दिल जड़ा है वह जोर जोर नाल धड़कना शुरू कर देता है। और मैं जो मुड़ के देखती हाँ तो साडे गुआढ़ियों का एक लड़का, उसने वह गोली मेरे वाल सुटी होंदी है। तो हालांकि अल्लड़ उम्र का यह पहला किस्सा सी, इस तो पहला मैंने कदे किसी ने इदा प्रपोज़ नहीं सी कीता। तो मैं बड़ा गुस्सा आता है और मैं समझ ना आए कि मैं की करा। मैं यकदम उससे लिखा आई हेट यू, तो गोली वगा के जड़ी है उस वाल मार दिती। उस तो बाद वो मलूक दिख वाला लड़का मैनू नज़र नहीं आया। तो तारण जी कहते, हालांकि मैं उन्होंने मिस भी करती सी, मैं उसनों लभ्या, पर हुण वह कंधा दियां चीथां दे विचों इट्टां विचों मैनू नहीं सी झाकदा। पर उन्हां दिनां दे विच रामलीला होया करती सी, और रामलीला दे विचों सीता दा रोल प्ले करया करदा सी। उहदी आवाज़ बड़ी अच्छी सी, वह गीत गुनगुनाउंदा हुंदा सी, उत्थे गाया करदा सी। ते गाने दे नाल तारण गुजराल नूं हमेशा तो ही प्यार रहा सी, क्योंकि वह आप भी बहुत अच्छी गायिका सन। तो हुंदा की है कि आरती नाम की किताब दे विच उन्होंने एक किस्सा लिखा है, जदों रामलीला समाप्त होंदी है तो आरती दी एक प्लेट लैके आर्टिस्ट जड़े ने वो भीड़ दे विच चक्कर लगाउंदे सन, जिन्हां ने जो जो शरदा या भेटा देनी होंदी सी ते वो उस आरती दी थाली दे विच लोक रख देंदे। और उन्हां दिनां दे विच यही जड़ी सी वो आर्टिस्ट दी कमाई होया करती सी। सो जदों वो सीता दे रूप दे विच आरती दी थाली लैके तारण गुजराल दे अगे आउंदा है, शर्मा भी जांदा है मलूक दिख वाला लड़का जो हुंदा है। तो तारण गुजराल ने पैसे की थान पर एक परची उस विच रख दिती। तो मैं पूछया कि उस परची विच की सी, तो उन्हें क्या आई लव यू टू लिखा सी। सो ये वाला जो किस्सा है उन्होंने एक आरती नामक किताब के शुमार है। हरेक इंसान का अपना एक मिजाज है, हर एक दी अपनी साइकी है, हर एक दी अपनी एक विचारधारा है, वखो वखरी मानतावां ने, वक वक लाइकिंग्स ते डिसलाइकिंग्स होंदियां ने। और जरूरी नहीं कि तुहाडा ऑरा हरेक इंसान दे नाल हूबहू ते उदां ही मैच करे। हुण एक वार इसे तरह होया ते किस्सा सुनो। धर्म सिंह कम्याणा नूं स्टेजी कवि संपूर्ण सिंह ने एक बड़ी अटपटी गल कह दिती। हुण ओह गल इह सी, कहिंदे बई सानूं नहीं तुहाडी खुली कविता रास आउंदी, ना इहदे च कोई रंग ते ना इहदे च कोई स्वाद, ते मैनूं तां इह कविता वर्गी कविता लगदी होई नहीं। हुण संपूर्ण सिंह दा बिट ऑबवियस है कि किस तरह दा रिएक्शन होएगा, फिर भी उन्होंने गल नूं संभालदिआं कहा, संपूर्ण साहब गल इह है कि हुण जे तुसीं दाल खाण वाले दे अगे मीट दा कौला भर के रख दोगे ते उहने सिर मारना ही मारना। तो इन्नी गल सुन के दूसरे जिहड़ा इंसान है, यानी कि मिस्टर संपूर्ण सिंह ने उन्हां दी एक शकल है वह अजीब जी रुख इख्तियार कर गई सी। पर गल ये भी है कि उन्होंने कोई गल नहीं औड़ी।
दोस्तों आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और लोग जिहड़े ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्टां पा के कमेंट्स पढ़ के खुश होंदे रहिंदे ने। वैब चैनल्स भी जो ने वह भी सोशल स्टोरीज अजकल कवर करन लगे ने, ज़्यादा लाइक्स के पिछे व्यूज़ के पिछे भज रहे ने। और इस तो इलावा अजकल असी भी बहुत ज़्यादा सैल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, अपनिया फोटोज़ खिंची जानिया, खिंच के देखी जाना, उन्होंने देख के खुश होंदे रहना, ये आम जिहा चलन है। तो रुझान जिहड़ा है बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया, इन्ना कॉमन हो गया कि इस दे विच सानू हुण कोई अटपटी गल नहीं लगती। इस किस्म नाल कुछ कैफियत है जो वह पहला होया करती सी, अज तो कुछ दशक पहला, अज तो कुछ साल पहला मैं कहांगी ईवन, उदों जो लोग अखबारों में रैगूलर छपया करते सन जां जिन्हां लोकां दीआं खबरां रैगूलर लग्या करदीआं सन, उन्हां नूं अखबारां दे विच अपनी खबर लगन दी, अपना नाम छपन दी तांग रहिंदी सी। हुण इस दे नाल संबंधित एक किस्सा सुनो। किस्सा है राम स्वरूप अणखी दा। राम स्वरूप अणखी जद तक अपना नाम जिहड़ा है वह उड़दे सार अखबार में पढ़ना लैण ते उन्हां नूं चैन नहीं सी आउंदा। सवेरे सवेरे वह चाह पी रहे ने ते पत्नी आउंदी है और अखबार उन्हां दे हाथ में फड़ा दिंदी है, वह अखबार जिस दे विच उन्हां दा नाम छपया सी। अखबार पढ़ते सार राम स्वरूप अणखी दीआं अखां दे विच यकदम जिहड़ी है वह चमक आ जाती है। फिर वह एकदम पुछदे हैं कि दूसरा अखबार नहीं आया, उन्हां नूं तां मैं कहानी भी भेजी सी। तो पत्नी कहती है नहीं जी वो तो आया है। कहते अच्छा आया है, फिर उस मेरी कहानी नहीं लगी। कहती नहीं कहानी भी लगी है। तो उन्हें कहा जे कहानी लगी है फिर लियादी क्यों नहीं, दिखाती क्यों नहीं मैनू। वो कहती जी दरअसल अज 15 अगस्त है, वो कल वास्ते रखे क्योंकि कल अखबार नहीं छपना, तो इस करके तुम अपना नाम देखे बिना चैन नहीं आता, तो मैं सोचे वो अखबार कल के दिन वास्ते ला देंगे जी। दोस्तों अक्सर कई बार की होंदा है कि साडे कीते जो काम ने वो साडे जान तो बाद असर दिखाते हैं। बहुत सारे फनकारां दे नाल इस कदर होंदा आया है। दूर ना जाइए तो गालिब नू देख लिए। गालिब ने सारी जिंदगी किस तरह का धंध पिटिया, किन्नी एक गरीबी की जिहड़ी जिंदगी उन्होंने हंडाई असीं सारे जानते हाँ। हुण जनाब दीपक जतोई नाल भी कुछ इस तरह सी। लो किस्सा सुनो। एक बारी जनाब दीपक जतोई किसी मुशायरे दे विच गज़ल कह रहे सन, और हुंदा की है कि जदों बड़े ही संजीदगी दे नाल वो दमदार गज़ल प्रेजेंट कर रहे ने, ते पंडाल दे विच बैठा एक शरारती अंसर कहंदा है जतोई साहब तुहाडे कुर्ते दीआं मोरियां चों गरीबी झातियां मार रही है। हुण दीपक जतोई नूं गल कहण दा वल बहुत है क्योंकि जो गज़लां दे बादशाह कहाउंदे आ ते वल तां यकीन होएगा ही। तो वह कहते हैं बहुत उमदा फरमाया जनाब, पर हाल की घड़ी थोड़ी मूर्खता अंदर आ रही है इन्हों ही सुराखा दे विचों, ते उसकी शक्ल देखने वाली सी। हुण इसी तरह की कैफे एक बारी होर हुई। दीपक जतोई बहुत ही मजाइया किस्म के इंसान सन। एक लतीफा होर तुहाडे नाल साझा करदे हाँ। एक इंसान जो अपने आप को शागिर्द मानता सी दीपक जतोई का, वह कहते उस्ताद जी मैं गज़ल सीखनी है तो गज़ल का मैं तुहानू उस्ताद धारना। दीपक जतोई कहते अच्छा बहुत चंगी गल है, इन्ना कह के उन्होंने उसकी पिठ नूं थापड़ा दिता। कहिंदा उस्ताद जी फिर मैं कल नूं एक पग ते कुछ तिल फुल लैके तुहाडे कोल हाजिर हो जाऊँगा। जतोई साहब कहिंदे ओ पग पुग रहण दे, पगां मेरे कोल अलमारी च बड़ियां पईआं, तूं इदां करी शाम नूं एक बोतल लै आई ते शाम नूं मैं तैनूं गज़ल दा पहला सबक देंगा। दोस्तों अजकल कहा जाता है कि इट पुट्टे ते कहानीकार है, हरेक इंसान अपनी किताब छपाउण नूं फिरदा। हुण बेशक उसनों कुछ लिखना आंदा होवे या नहीं आंदा होवे, यानी कि किताब छपवाउण दा कोई पैमाना नहीं है। कोई भी बंदा कहानी लिख सकता है, कोई भी बंदा शायरी कर सकता है, कोई भी बंदा किताब छपवा सकता है। गल 1980 दी है, रजिंदर बिमल दी एक कितानिया। गल 1980 दी है कि रजिंदर बिमल दी एक कहानियां दी किताब जिहड़ी है वह पबलिश हुई। तां तेज़ तपिक जो कवि दरबार होया उस दे विच बहुत सारे अदबी लोग भी आए सी, ते उत्थे उन्हां विचों भी चुनिंदा जिहड़े अदबी लोग सी उन्हां नूं रजिंदर बिमल जो ने वह किताब पेंट कर दिंदे ने। दर्शन मित्तल ने की किया कुछ दिन मगरों अखबार दे विच छाप दिता कि एक नवां जिहा लेखक कवि दरबार दे विच शायद उसने कोई 1200-1400 रुपया जेब चो खर्च के किताब छपवाई होनी है, तो वह किताब लल्लू पंजू कवियां नू लल्लू पंजू शख्सियतां नू कह सकते हैं कि इदां वंडदा फिरे जिवें मंदिर दे विच प्रसाद वंडीदा। तो यह गल सुन के लेखक नू बहुत गुस्सा आया, तो गुस्से दे विच उसने मितवा होरां नू एक चिट्ठी लिखी
चिट्ठी च लिखिया कि जेकर मैं किताब है वह लल्लुआं पंजुआं नूं देनी हुंदी तां सब तों पहलां तैनूं जरूर दिंदा। प्रोग्राम अनम्यूट किस्से दे विच जिहड़े निक्के निक्के किस्से असी मजाइए लहजे दे विच लतीफियां दे रूप दे विच आप सब दे नाल सांझा कीते ने, ये अदबी लोकां दी जिंदगी विच वापरे कुछ हल्के फुल्के किस्से ने और इन्हां बारे असी वड्डे या भारी भरकम विचार तां जिहड़े हैगे ने बहुत ज़्यादा पढ़ लैंदे हाँ और छपदे भी रहिंदे ने अक्सर अखबारां दे विच, पर इस तरह के किस्से जिहड़े ने बहुत घट हुंदे ने और कई बार किस्सियां दा जिहड़ा लैवल है वह बहुत थले वाला लैवल हुंदा है। कई बार संबंधां नूं लै के अश्लील किस्से जिहड़े हैगे ने या दूसरी मंदी शब्दावली वाले किस्से ने उन्हां मतलब बहुत सारिया कहानियां बहुत सारिया किताबां पब्लिश हुई ने, पर इस किस्म के किस्से बहुत घट ने। उम्मीद करते हैं कि तुहानू सारयां नूं ये किस्से जरूर पसंद आए होणगे। अनम्यूट किस्से की अगले किश्त विच कुछ होर किस्सियां दे नाल दवांगे तुहाडियां बरूहां ते दस्तक। तद तक लई मैनूं यानी गुरनीत तों दिओ आग्या और जांदे जांदे असीं धन्नवाद करना चाहते हाँ स्वामी आनंद लोक धूरी का जिन्होंने साढ़े वास्ते ये किस्से पुजते किए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहो द अनम्यूट।